हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके पूरे एक्सरसाइज और चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने पहले कर रखा है। आज से हम लोग MCQ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसके MCQ करने जा रहे हैं। ये भी उतना ही आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए, यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है। आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, इस फिगर से रिलेट करके करना है। सबसे पहला काम आप करिए कि इस फिगर में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोथेनस अभी नहीं है। तो सबसे पहला काम ये हाइपोथेनस निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। ये क्या है, 49, ये कितना 576 इक्वल्स टू कितना, AC स्क्वायर। बिल्कुल सही। इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, 625 क्या है, AC स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। ये तो AC स्क्वायर था, तो 625 कितने का स्क्वायर है, 25। तो इससे आपने AC फाइंड कर लिया। AC क्या मिला आपको, 25। अब आइए, आपको फाइंड क्या करना था, साइन ए। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव P/H। साइन क्या है, P/H। अच्छा, अब ये जो P/H है, ये आप कहाँ से देख रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। साइन ए ये है, एंगल ये है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, P। इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे, P। 90 के सामने वाले को H। और जो बच गया वो B। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी आगे के क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P/H, तो यहाँ देखिए P कितना था, 7। H कितना है, 25। मतलब आंसर कितना होना चाहिए, 7/25, ऑप्शन नंबर B। चलिए ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ सेक ए, इसी फिगर को रिलेट करके ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको। वैल्यू ऑफ सेक ए, अच्छा ये सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, B/H। कॉस क्या होता है, B/H, तो H/B होगा। सेक ए क्या होगा, H/B। अब ये H/B, H क्या है, देखिए इस फिगर से रिलेट करिए। H क्या है, हाइपोथेनस क्या है आपका, 25। बेस कितना, 24। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ टैन सी, वैल्यू ऑफ टैन सी, इसे कैसे करेंगे, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टैन फाइंड करना है आपको। टैन क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। टैन के लिए क्या रेशियो यूज़ करते हैं हम लोग, P/B का रेशियो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे टैन सी है, ए नहीं है, टैन सी है। मतलब आपको इस एंगल से देखना है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, ये पी होगा। एंगल के सामने वाला साइड पी होगा। हाइपोथेनस अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, तो ये हाइपोथेनस ही रह गया। अब जो बच गया वो आपके लिए बेस हो गया, यही तो है। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, P/B फाइंड करना है। इससे देखिए, P क्या मिला आपको, 24। B क्या मिला, 7। मतलब 24/7, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ कोसेक सी, इसे भी आपको सी से ही देखना है, एंगल सी से ही देखना है। मतलब इस सी के सामने वाला जो साइड है वो पी हो गया, 90 के सामने वाला जो साइड है वो एच हो गया, और जो रह गया वो बेस है। क्या फाइंड करना है आपको, कोसेक सी। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव P/H, तो ये क्या होगा, H/P, उसका उल्टा, H/P। इस फिगर से रिलेट करिए, एच क्या है आपके लिए, 25, 25। पी क्या है, 7। मतलब आंसर क्या मिला आपको, 25/7, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 क्या है, द वैल्यू ऑफ टैन ए प्लस कॉट सी, वैल्यू ऑफ टैन ए प्लस कॉट सी, इसे कैसे फाइंड करेंगे। एकदम सिंपल है, टैन ए एंगल ए, टैन क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, P/B। अच्छा, प्लस कॉट, कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, तो B/P, ठीक है। टैन ए, एंगल ए से P/B देखना है आपको,
एंगल ए से पी बाई बी, तो ये पी है, ये एच है, ये बी है, तो 7/24, 7/24। अब ये बी बाई पी आपको कहाँ से देखना है, सी से, एंगल सी से, सी से ये पी है, ये एच है, ये बी है, ये पी है, ये एच है, ये बी है, आपको क्या चाहिए, बी बाई पी चाहिए, तो बी क्या है आपके लिए 7 है, पी क्या है 24, बिल्कुल ठीक। 7 + 7 कितना हो गया 14, 14/24, 2 7 times, 2 12 times, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए आपका 7/12, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 cos A - sin C, इसी फिगर को रिलेट करके ये वैल्यू आपको ढूंढना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 cos A, तो ये देखिए ये 2 cos A, cos क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, B by H, A से देखना है, A से B by H, ये आपका B, ये आपका H, A से देख रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो कॉस कर्ली ब्राउन हेयर B by H, तो ये B और ये H, मतलब 24/25, ठीक है। साइन सी साइन क्या है, सम पीपल है, P by H, C से देखना है P by H, तो ये P है, H अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो ये 24/25, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने पे 2 × 24 कितना देखिए 48/25 - 24/25, LCM 25, आगे 48 - 24 क्या देगा 24/25, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B cos C + sin C cos B, ये वैल्यू निकालना है, मुश्किल एकदम भी नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहला काम तो आपको इस फिगर को कंप्लीट करना होगा। ये देखिए 90 डिग्री है, मतलब ये हाइपोथेनस है, ये परपेंडिकुलर या बेस, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी लेट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये AC आपको फाइंड करना है, सबसे पहला काम आपको इस AC को फाइंड करना है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। आगे देखिए ये 36 प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 100, आगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 36, ठीक है, आगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64, इससे देखिए AC कितना मिला 8, AC कितना मिल गया 8, ये मिल गया। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, काफ़ी सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए साइन बी, एंगल बी से देखना है आपको, एंगल बी से देखना है, तो एंगल बी से यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर है 90 के सामने वाला हाइपोथेनस, जो बच गया वो बेस, यही तो है और कुछ नहीं। साइन सम पीपल हैव P by H, cos फाइंड करना है सी से, cos कर्ली ब्राउन हेयर B by H, यहां से जब आप देख रहे हैं तो ये P है, ये H है, ये B है, तो 8 कर्ली ब्राउन हेयर B by H, H वही रहता है, H का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अच्छा साइन सी, सी से ही एंगल साइन निकालना है, साइन क्या है, सम पीपल हैव P by H, सी से P by H, ये P है, ये H है, ठीक है, तो ये 6/10। कॉस बी, एंगल बी से कॉस, कर्ली ब्राउन हेयर B by H, H यही है, ये P है, ये B है, मतलब 6/10। अच्छा इसे आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं। 8 से कितना 64/100, ये 36/100, LCM क्या आएगा 100, ठीक है, इससे 64 + 36, आगे 100/100, इसको रिड्यूस करने पे क्या मिलेगा 1, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट, देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है, इन दैट जॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब इस फिगर को रिलेट करके हम लोगों को कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, तो उस कॉस थीटा का वैल्यू को निकालने के लिए पहले हम लोगों को ये सी बी चाहिए होगा, फिर ए सी का वैल्यू चाहिए होगा। ये बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोग बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, पहला इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ये ट्राइंगल में देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोथेनस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस। यहाँ पे हाइपोथेनस कौन है, बी सी है, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये 9 प्लस 16 हो गया, ये क्या है, बी सी स्क्वायर, मतलब 25, रूट 25 इक्वल्स टू क्या, बी सी। तो बी सी क्या मिला आपको, 5, मतलब ये साइड 5 मिल गया। अब इस ट्राइंगल में देखिए ए बी सी में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अब ये हाइपोथेनस आपको फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है, इसे भी वैसे ही करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस, मतलब ए सी, इसे फाइंड करना है। तो ये 25, ये 144 इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 ए सी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट डाल दीजिए तो ये ए सी हो गया, तो ए सी क्या मिलेगा, 13। तो ये देखिए आपने ये 13 फाइंड कर लिया। अब कितना इजीली देखिए आप लोग इसको कर सकते हैं, क्या फाइंड करना था आपको, कॉस टीटा। कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच, टीटा कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से बी बाई एच रिलेट करना है आपको, बी बाई एच, ये क्या है, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पी बोलते हैं, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, जो रह गया वो बी है। क्या चाहिए आपको, बी बाई एच चाहिए, बी क्या है, 12, एच कितना है, 13, मतलब 12/13, यही है आपका आंसर, 12/13 ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ कॉस ए इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टैन ए इज व्हाट, टैन ए का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए का वैल्यू गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइजेस में बहुत सारे किए, आपको याद भी होगा। आइए ये क्या गिवन है आपके पास, कॉस ए गिवन है, क्या है ये, 4/5, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच, बी बाई एच, कॉस क्या है, बी बाई एच। अच्छा निकालना क्या है हम लोग को, टैन ए निकालना है। यहाँ देखिए बी है एच है, मतलब पी मिसिंग है। पहला काम पाइथागोरस से आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या, 4, हाइपोथेनस स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू कितना, 25। आगे देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 25 माइनस 16, आगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, 9, तो पी से क्या मिलेगा, 3, पी का वैल्यू क्या मिला आपको, 3। अच्छा फाइंड क्या करना था आपको, टैन ए, क्या फाइंड करना है, टैन, तो टैन क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी, पी बाई बी, अच्छा पी बाई बी, तो पी क्या है आपके लिए, 3, पी क्या है, 3, बी कितना था, 4, मतलब 3/4, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज व्हाट, टैन ए, साइन ए का वैल्यू गिवन है, कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। इसे करेंगे कैसे, वो एकदम सिंपल तरीके से, साइन ए गिवन है आपके पास, तो ये साइन ए कितना है, 1/2, साइन क्या होता है, पी बाई एच, साइन क्या है, पी बाई एच, क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। सबसे पहला काम बेस निकाल लीजिए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, मैंने जो मिसिंग हो उसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोथेनस 2 है तो इसका स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4-1, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो बी का वैल्यू क्या मिला आपको, √3, ठीक है। फाइंड क्या करना था आपको, कॉट ए, कॉट क्या है, टैन का रेसिपोरकल, टैन का रेसिपोरकल, टैन क्या होता है, पी बाई बी, टैन क्या होता है, पी बाई बी, तो उसका रेसिपोरकल बी बाई पी, बी बाई पी, तो बी क्या है, √3, बी क्या है, √3 बाई पी, पी कितना था, 1, तो √3/1 मतलब √3, बस यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में गिवन। देखिए कोसेक गिवन है, आपको टैन निकालना है, कोसेक गिवन है टैन निकालना है। अच्छा बताइए कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, भूल गए, साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, पी बाई एच। साइन क्या है, पी बाई एच। तो कोसेक क्या होगा, एच बाई पी, एच बाई पी। तो कोसेक क्या है, 13/12। तो ये हो गया आपका एच बाई पी। तो क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। पहला काम उसे निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 169। आगे ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 169 माइनस 144। तो ये बी स्क्वायर कितना मिला आपको, 25। इससे बी कितना मिल गया, 5। इससे बी क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टैन। टैन क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी। टैन क्या है, पी बाई बी, भूल गए क्या, पी बाई बी। तो पी क्या है, 12। पी क्या है, 12। बी क्या है, 5। तो 12/5, बस यही है आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ टैन ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई देन कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट। टैन का वैल्यू गिवन है, कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी नहीं, स्टेप्स सब एक जैसे ही हैं। टैन गिवन है, तो टैन क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ये वैल्यू क्या है, पी बाई बी के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, पी बाई बी के बराबर है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो पी और बी आपके पास है, क्या नहीं है, एच नहीं है, उसे पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। हमें सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, एच मिल गया। क्या चाहिए था आपको, कॉस, कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच। कॉस क्या है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी क्या है, बी क्या है, वाई, बी क्या है, वाई। एच क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है जितना बाकी क्वेश्चन था, इसे भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने कंटेंट को और बेटर करने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्प हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ए बाई बी, ठीक है। साइन ए बाई बी है, साइन क्या होता है, पी बाई एच, सम पीपल हैव। तो ये वैल्यू किसका है, पी बाई एच है। तो ये पी बाई एच क्या है आपके लिए, ए बाई बी है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो क्या मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्या है, स्मॉल बी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ये बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या डिराइव होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे बी डिराइव हो जाएगा आपका रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना था आपको, कॉस, कॉस थीटा। कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच, बी बाई एच। यदि आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव, ये क्या है, तो इस एक्सरसाइज का वीडियो पे जाके एक बार देखिएगा। इसको हम लोगों ने बहुत ही सिंपली एक सेंटेंस के मदद से बिना याद किए हुए इन रेशियोज को हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज किया है। आइए, तो बी बाई एच, ये बी बाई एच, बी क्या है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एच। एच क्या है, बी बाई बी। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।